टूथ पाउडर दांत खुदरत का अनमोल तोहफा है। एक्टिव टूथ पाउडर को मियारी तरीके से बनाया गया है। दांतों का कीड़ा, मुंह की बदबू, मुंह का आसानी से ना खुलना, गुटके जर्दे खाने वाले लोगों के लिए आजमाइश शर्त है। मसूड़ों का अल्सर जैसे मर्ज के रोकथाम के लिए बहुत मुफीद पाया गया। जो लोग दांतों के अमरा से महफूज रहना चाहते हैं, एक्टिव टूथ पाउडर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। एक्टिव टूथ पाउडर। आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रशीद, आरएच 9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। तारीखी बीबी का आलम से यौम आशुरा के जुलूस के पेश नज़र आज बतारीख 24 जुलाई बरोज पीर को माधवी हाथी के साथ जुलूस की रिहर्सल की गई। वाज़ेह है कि 10 मुहर्रम के दिन बीबी का आलम के मरकजी जुलूस के लिए हर साल की तरह इस साल भी महाराष्ट्र के कोल्हापुर से लाए गए माधुरी हाथी के जरिए ये जुलूस की रिहर्सल की जाती है। ये ट्रायल इसीलिए किया जाता है कि कुछ साल कबल अवाम के ज़्यादा हुजूम को देखकर हाथी बेकाबू हो गया था। पुराने शहर में मुहर्रम के इंतजाम की खसूसी निगरानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC रियाजुल हसन आफंदी कर रहे हैं और तमाम तर बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। ये रिहर्सल तारीख़ी बीबी का अलावा से शुरू होकर शेख फैज़ की कमान, चढ़ाव की मस्जिद, अलीजा कोटला, सरदार महल, चार मीनार, गुलजार हाउस, पुरानी हवेली, एक्स रोड पर हुसैनी दरबार के पास मजलिसी MLC मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सैयद सोहेल खादरी और शिया तंजीम के सदर हैदर आगा और साउथ जोन DCP साई चैतन्या IPS, एडिशनल DCP मीरचौक ACP और दीगर जिम्मेदारान ने वहाँ पर ढट्टी चढ़ाई और फिर पुरानी हवेली से होता हुआ दारुशिफा और चादर घाट पर यह रिहर्सल अख्ताम पजीर हुई। तमाम जुलूस के रास्तों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और बेहतरीन इंतजाम भी किए जा रहे हैं। पेशेस खसूस में वहां के चंद मनासिर। सबको आदम, आज मुहर्रम का जुलूस, 10 मुहर्रम का जुलूस में जो हाथी शामिल होने वाला है वो उसको आज ट्रेल रन करवा रहे हैं। जो जैसे पूरा रूट है बीवी कालम से लेके मस्जिद इलाही तक जो 66 किलोमीटर का रूट है उसके पूरा रूट जो है अभी ट्रेल रन कर रहे हैं ताकि हर कोने पे कैसे जाते, कैसे मुड़ना है, सारी चीज़ हमारा पुलिस फोर्स जो उस दिन शामिल होने वाला है उन सारी फोर्स को साथ ये जो पार्टी के साथ ट्रेल रन कर रहे हैं ताकि जो भी डिफिकल्टीज अभी जो समझ में आ रही जो फिर जैसे सीनियर ऑफिसर जो है कि पहले से जो एक्सपीरियंस ऑफिसर आनंद है, हमारा मेन बाजार का इंस्पेक्टर रंजीत है, इन लोग का भी यहाँ पे है और जो लोग एक्सपीरियंस के साथ साथ यहाँ पे आज भी हम लोग देख रहे हैं कहाँ कहाँ कोई डिफिकल्टी हो सकता है उसके बारे में हम तो समझने के लिए सारी ट्रेलिंग कर रहे हैं। यही जितना टीम आज जो कर रहे हैं वही टीम 10 मुहर्रम का दिन पे भी इस पर पार्टिसिपेट करेंगे ताकि पूरा जुलूस आराम से निकल जाए और बहुत कम तकलीफ से लोगों के साथ निकल जाए। थैंक यू। अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदराबाद का मुहर्रम सारे हिंदुस्तान में अपनी शान और शौकत रखता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर साल बीबी के आलम के जुलूस के लिए जो हाथी आता है तो उसको ऐसो अब हर साल ऐसो रिहर्सल रखते हैं। चुनाचे 10 के दिन ऐसो कोई चीज़ के लिए मुश्किल ना हो तो हाथी ऐसो उसके सारी रूट पर ऐसो चलता है। इस साल जो हाथी आया है वो माधुरी कोल्हापुर महाराष्ट्र स्टेट से आया है। ये हाथी का सिलसिला 1860 से अफजलुद्दौला के ज़माने से चल रहे थे आ रहा सो है। हमेशा ऐसा जो भी बादशाह वक्त रहते हैं ना बीबी के आलम के हाथी के लिए हाथी फराम करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश भी ऐसो सवारी बीबी के आलम के लिए हाथी प्रोवाइड करती थी, वो फॉलो हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना भी ऐसो हाथी प्रोवाइड करी है। इस साल HEH निज़ाम ट्रस्ट के एप्लीकेशन पे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऐसो सरकारी तौर पे हमेशा की तरह इस साल भी ऐसो सारे इंतजाम मुकम्मल करी है। हम खसूसी तौर पे हमारे हरदिल अजीज़ हयात बाईस्तर असदुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो कि इस सारे चीज़ों में ऐसो हमको ऐसो बहुत मदद की है और इसकी सारी जिम्मेदारी मिर्ज़ा रियाजुल अफंदी साहब को दी थी। MLC साहब को उन्होंने भी ऐसो हमारे कदम से कदम चलकर ऐसो सारे इंतजाम मुकम्मल कराए हैं। हैदराबाद का मुहर्रम बड़ी हिंदुस्तान में बड़ी अजमत और शान रखता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैसूर का दशहरा, दिवाली और हैदराबाद का मुहर्रम सारे वर्ल्ड में ऐसो फेमस है। यहाँ पर ऐसो बिला मज़हब व मिलत सारे लोग ऐसो अकीदत से एहतराम से ऐसो मुहर्रम मनाते हैं।
बीबी के आलम की जो सवारी रहती है इसमें सो हमारे हिंदू ब्रदरी के भी खिदमत है। जो छतरी उठाते हैं वो हिंदू फैमिली के लोग हैं, और जो वाही मरातम उठाते हैं उन्हों भी हिंदू ब्रदरी के लोग हैं। ये एक हिंदुस्तान की तहजीब है, गंगा जमुना की यहाँ से ये सो शुरुआत हुई सो है। हम लोग आप सब से एक तहे दिल से ऐसो सब लोग का शुक्रिया अदा करते हैं जो कि ऐसो आज बहुत अच्छे अंदाज में आज सो ट्रायल हो रहा है। इंशाल्लाह 10 के दिन भी ऐसो बहुत अच्छे अंदाज में सारे चीज़ें ऐसो मुकम्मल होंगे। ये जो मेरी खिदमत है शायद अल्लाह सुबहाना ताला का एहसान है, ये पीढ़ी दर चलते आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 12th जनरेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी ख़ानदान में मोरूसी सारी खिदमत आईसो है जो कि मैं बखूबी अंजाम कर रहा हूँ। तो नाजरीन इजाज़त दीजिए और बने रहिए हम सबकी आवाज़ RH9 न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।